लड़कियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, कोई भी कौम से बिलोंग करती हो, लेकिन लड़कियां क्या सुरक्षित नहीं है। उन लोगों को फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपना अपने हिसाब से अपने मन से कुछ भी चूज कर सके। लड़कियों को सुरक्षा बढ़ाया जाए, अच्छा, ताकि लड़की सेफ रहे। पुलिस को तो बोलने से केस तो दभी जाता है हर बार, रेप केस का कभी नहीं होता ही नहीं है कुछ। अभी तक 5-6 केस हुआ, मतलब अभी तक थोड़ी सिर्फ जो रेप केस उभर के आए सिर्फ उतना ही हुआ, कितना हजारों रेप केस होता दब जाता है ना। घर से निकलते हुए या फिर घर जाते हुए अगर रोड में आदमी लोग ज़्यादा ना रहे तो फिर डर लगता है। कानून बनाना चाहिए सरकार को इसके लिए, मतलब हमें तो डर लगता है कहीं कुछ भी हो जाएगा, चोरी से लेके छेड़छाड़ से लेके हर चीज़ पे ऐसा होना चाहिए कि जिससे डर नहीं लगे। राज्य में अपराध के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, अपराधी बेवकूफ घूम रहे हैं और तो और ये गोलियां भी चला दे रहे हैं। हम इसी बात पर हम आज राज्य की महिलाएं और लड़कियों से बात करेंगे, वो खुद को कितना सेफ करती हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप खुद को कितना महसूस करती है खुलेआम घूमने में? 1% भी नहीं। हमें तो डर लगता है कहीं कुछ भी हो जाएगा, चोरी से लेके छेड़छाड़ से लेके हर चीज़ पे ऐसा होना चाहिए कि जिससे डर नहीं लगे। और सबसे पहले तो सजा मिलना चाहिए जो ऐसा काम करके, एक को सजा मिलेगा दूसरों को करने का हिम्मत ही नहीं होगा दोबारा में कि वो ऐसा दोबारा करे। बस एक को सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटकेगा एक, दूसरा कभी ऐसा काम होगा ही नहीं। सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। आप कितना महसूस खुद को महसूस करती है खुलेआम? हमारे साथ अल्लाह का करम है, हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो लड़कियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, कोई भी कौम से बिलोंग करती हो, लेकिन लड़कियां क्या सुरक्षित नहीं है। उन लोगों को फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपना अपने हिसाब से अपने मन से कुछ भी चूज कर सके। और जो सोचती हैं कि हम बॉयफ्रेंड के साथ जाए तो ये तो देख ही रही हैं कि इतना गलत हो रहा है देश में, तो ये तो नहीं। मैं यही कहूँगी कि माँ बाप का कहना माने, बॉयफ्रेंड के पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि कोई इस लायक ही नहीं है इस दुनिया में कि भरोसा किया जाए। यहाँ पर कुछ और लड़कियाँ हैं, हम बात करेंगे। दीदी आप खुद को कितना महसूस करें बताइए, कि ये भी बंडा बनना है कि लड़कियों को इनकी सेफ्टी पे मैं सवाल कर रही हूँ तो उसमें भी ये लोग भाग जा रहे हैं। यहाँ पे एक आंटी है, उनसे बात करते हैं। आप अपनी बेटी को भेजते हैं पढ़ने के लिए, कितना आप सेफ महसूस करते कि मेरी बेटी गई है पढ़ने के लिए, वो वापस सेफ ही आ जाएगी? जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं लगातार राज्य में, अभी तो उसके साथ कुछ वैसा नहीं है, अभी तो ठीक है। मतलब कि डर लगा रहता है कि नहीं? हाँ, ध्यान तो लगा रहता है, जब तक घर वापस नहीं आती है तब तो। और राज्य में जिस तरह अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? लड़कियों को सुरक्षा बढ़ाया जाए, अच्छा, ताकि लड़की सेफ रहे, क्योंकि लड़की से ही सब कुछ है। यहाँ पर और भी बच्चियाँ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग अभी इंस्टीट्यूट जा रही है अपने पढ़ने के लिए? अच्छा, छुट्टी हो गया। जब भी आप पढ़ने के लिए निकलती या बाहर निकलती घूमने फिरने के लिए तो कितना खुद को आप सेफ महसूस करती हैं? मुझे तो निकलने ही नहीं दिया जाता है बाहर, से बाहर नहीं आने मिलता है, बस कोचिंग से, हॉस्टल और कोचिंग। और अगर कुछ एसेसरीज वगैरह लेना है या फिर कुछ भी डेली वार्डन के साथ निकलने मिलता है, क्योंकि बहुत जिस तरह से अपराध बढ़ रहे उसको लेकर के आपके हॉस्टल में वार्डन आपके साथ में बाहर निकलती है तब जाके आप लेते हैं। वार्डन का वो नेसेसरी उड़ रहता है होना। अच्छा, राज्य में जिस तरह से लड़कियों के प्रति जो अपराध के मामले बढ़े उसको लेकर के क्या करेंगे? कानून बनना चाहिए, बनते तो है पर वो अपने बनने से भी कहाँ मानता है। पुलिस को तो बोलने से केस तो दभी जाता है हर बार, रेप केस का कभी नहीं होता ही नहीं है कुछ। अभी तक 5-6 केस हुआ, मतलब अभी तक थोड़ी सिर्फ जो रेप केस उभर के आए सिर्फ उतना ही हुआ, कितना हजारों रेप केस होता दब जाता है ना। आप लोग खुद को कितना महसूस करते हैं कॉलेज से घर आने में और घर से जब कॉलेज जाते हैं तो इस बीच में कितना डर लगता है कि हम लोग सही सलामत पहुंच जाएंगे स्कूल या फिर कॉलेज या फिर घर? नहीं, अभी जिस तरीका से अपराध बढ़ रहा है जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल में, घर से निकलते हुए या फिर घर जाते हुए अगर रोड में आदमी लोग ज़्यादा ना रहे तो फिर डर लगता है। कानून बनाना चाहिए सरकार को इसके लिए, मतलब कि लड़की लोग का हिफाजत के लिए या फिर कुछ भी, जैसे मतलब क्या बोले, पुलिस को या फिर एक्शन लेना चाहिए सब चीज़। आप कहाँ से आते हैं? अब मैं बरियातू से आती हूँ। इतने दूर से आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कभी डर नहीं लगता है कि इतने दूर से अगर किस तरीके से अनहोनी घटना घट जाए, क्योंकि आए दिन अपराध, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही है, मर्डर हो जा रहा है, कितना डर लगता है? दीदी डर तो लगता है ना, क्योंकि इतना दूर है मेरा घर, जैसे कि पूरा बताया जाए तो पहले कि एरिया पूरा शांत हो जाता है तो फिर डर लगता है। ऑटो वाला से भी कितना, मतलब कि रहते बहुत लोग रहते हैं कि नशे में रहते हैं तो फिर वो लोग से डर लगता है।